दो तीन साल से अक्षय कुमार के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा है अक्षय कुमार को लेकर ट्रोल किया जाता था कि भैया इसका कितना भी फिल्म बड़ी सक्सेसफुल हो जाए, इसकी फिल्म 130 या 35 करोड़ के आगे जाती नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पर इतना साफ कर दे रहा हूं मैं कि इस साल केसरी ने 150 करोड़ पूरे किए, ठीक है। और अब उनकी जो फिल्म है मिशन मंगल, वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी और इसके भी आगे निकल जाएगी। वैसे 200 आंकड़े का जो रिकॉर्ड है वो ये तोड़ नहीं पाएगी, इतना यकीन हो चला है हमको। लेकिन आपको ये भी खुशी की बात कह दो कि इनकी और एक फिल्म आ रही है हाउसफुल 4, वो 200 करोड़ कर दे, उसका गुड न्यूज आ रही है, यानी कि जितने हेटर्स थे सभी की लग गई है। और यहां पर सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि कॉपी दैट, ऑल हेटर्स को कह दो इस कलेक्शंस के बारे में, ठीक है। और चलिए मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं मिशन मंगल कलेक्शंस। पहले दिन कलेक्शंस था 29.16 करोड़, यानी कि लगभग 30 करोड़ के आसपास। यही कलेक्शंस आने के बाद सबकी बोलती तभी बंद हो गई थी, फिर लोगों को लगा नहीं भाई अभी अक्की है ना, पहले दिन कमाया बाकी दिन कहाँ कमाएगा, गोल्ड की तरह ये भी लुढ़क जाए, ऐसा नहीं हुआ, अच्छी चली फिल्म। सेकंड डे इस फिल्म का कलेक्शन था 17.28 करोड़ और तीसरे दिन इसका कलेक्शन 23 करोड़ वापस जंप मारा 23.58 करोड़, वो भी सैटरडे को, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद चौथे दिन संडे था, संडे को इस फिल्म ने एक बहुत बड़ा जंप मारा 27.54, और कहीं ना कहीं 100 करोड़ से 3 से 4 करोड़ मिस हो गया, अदरवाइज 100 करोड़ 4 दिन में हो जाता और तो और पागल हो जाते लोग। लेकिन हाँ 96 करोड़ हुआ। अब पांचवें दिन की बात करें, पांचवें दिन इस फिल्म ने 8.9 करोड़ की कमाई की, जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा लो है, बट सीधी बात चार दिन में भी तो अच्छा कमाया तो उस हिसाब से ठीक है। तो 8.9 करोड़ से कमाई की और जो मंगलवार कलेक्शन था, जो मैं प्रेडिक्शन था 7 से 8 करोड़ का, उसके ही बीच में आया, तो मेरा प्रेडिक्शन आखिरकार सही हो रहा है। 7.92 करोड़ इस फिल्म ने कमाई की है, यानी कि लगभग 8 करोड़, और टोटल इसका कलेक्शन हो चुका है 114.39 करोड़, 114.39 करोड़। तो सबको कह दो, मतलब सब हेटर्स को कह दो कॉपी दैट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही।